हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओहम्स लॉ और उसके साथ हम पढ़ेंगे कि ओहम्स लॉ से रिलेटेड जो भी दूसरे फिनोमिनल्स हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, इनके कंसेप्ट को और इनके डेफिनेशन को भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। देखो, जो ओहम्स लॉ है वो हमें दिया था जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने। ओके, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने हमें एक्चुअली एक रिलेशनशिप बताया था किसके बीच में, दे टोल्ड अस अ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। सो हमें इस ओहम्स लॉ के थ्रू एक रिलेशनशिप मिलती है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ओके, और उनका स्टेटमेंट क्या था कि अगर फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अगर किसी भी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट अगर कॉन्स्टेंट है तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उन दो कंडक्टर के दो एंड्स में वो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है उसका मतलब होता है कि द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और एंड द मटेरियल, जिस मटेरियल से वो बना है जो भी कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है एक वायर है। ठीक है, सपोज इट इज अ मेटालिक वायर, तो ये जो मेटेलिक वायर है इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, इसका एक टेम्परेचर होगा या फिर जो मटेरियल है ये पर्टिकुलर किसी मटेरियल से बना होगा। तो अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट है तो इस वायर में जो भी करंट फ्लो होगा वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा। किसको प्रोपोर्शनल होगा? इसके दो एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अटैच किया है उसको प्रोपोर्शनल होगा। यही हमारा स्टेटमेंट कहता है, यही हमारा ओहम्स लॉ कहता है। ओके, तो सी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी ये जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे ये जो करंट फ्लो हो रहा है I, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिम्बॉलिकली ऑल्सो बाय इन दिस वे। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी, वी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट जो है दैट इज आई। सो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। अभी जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम रिमूव करते हैं विद अ कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है वो है हमारा रेजिस्टेंस। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, वी इज इक्वल्स टू आई इन टू आर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बहुत सारे जगह हम यूज़ करते हैं और इससे बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो भी बनेंगे जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको बहुत अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर हमें आई फाइंड आउट करना है तो वी कैन राइट इट एज वी अपॉन आर, अगर हमें आर फाइंड आउट करना है दैट इज रेजिस्टेंस, सो वी कैन राइट इट एज वी अपॉन आर, जहाँ पे वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका यूनिट होता है वोल्ट, आई यानी करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एंड आर यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम्स, जिसको हम ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अभी देखते हैं जो हमने नया कंसेप्ट देखा दैट इज रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस यानी क्या है? ठीक है, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर। तो देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये वायर है, इस वायर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली इधर उधर मूव करे, कोई भी मेटेलिक वायर हो तो वो मेटेलिक वायर ऑब्वियसली किससे बना होगा, वो किसी मटेरियल से बना है, और हमें पता है जो भी मैटर होता है वो किससे बना होता है? एटम्स के साथ, और एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो ऑब्वियसली अभी हमें, क्योंकि करंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो मेटेलिक वायर है इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली प्लेस्ड है, क्योंकि हमने इसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। लेकिन देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो जैसे जब हमने इसको कनेक्ट किया है, जब हमने इस वायर को कनेक्ट किया है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, मतलब सेल के साथ जब हमने कनेक्ट किया है, तो क्या होगा? दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ए पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब ये फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, जब करंट फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होते वक्त यहाँ पे बीच में बहुत सारे हिंड्रेंस, मतलब ऑब्स्टैकल की तरह पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रॉन्स जो है वो उनको रोकने का काम कर सकते हैं, मतलब उनके बीच में एज अ ऑब्स्टैकल की तरह वर्क करेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, जितना करंट फ्लो होना चाहिए उतना ना होते हुए उसमें कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ए ऑब्स्टैकल, मतलब जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसको अवॉइड, उसको रोक रहा है, कोई चीज़ है जो उसको रोक रही है, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, राइट।
तो अगर जितना जो इसलिए हमने क्या कहा था वी इज इक्वल टू आई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस. सो सी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एटम्स आयंस विच लाई अलॉन्ग देयर पाथ. उनके पाथ में जो एटम्स आते हैं उनको वो जाके स्ट्राइक करता है. जब वो स्ट्राइक करता है तो उस कोलिजन में कुछ हिंड्रेंस होता है, हिंड्रेंस यानी कुछ ऑब्स्टैकल क्रिएट होता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके बीच में एक रेजिस्टेंस होगा एंड जो कि अपोज द करंट, और वो किसको अपोज कर रहे हैं, करंट के फ्लो को. दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा. ओके, नाउ जो रेजिस्टेंस है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम. 1 ओहम का रेजिस्टेंस कब होता है किसी भी कंडक्टर में? इफ अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर और 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे अगर अटैच है अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स, देन द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम. ओके, एंड इवन टू 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. हमने देखा था वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. ओके, वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. तो हमने क्या देखा था, आर यानी क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई. सो वहाँ पे आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस 1 ओहम, वोल्ट दैट इज 1 वोल्ट, एंड एम्पियर नीचे चला जाएगा दैट इज 1 एम्पियर हियर. ओके, सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल ओमेगा. ये सिंबल है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ सेकेंड टर्म इज रेजिस्टिविटी. अभी रेजिस्टिविटी यानी क्या है, देखो जो भी कंडक्टर है वो किसी ना किसी मटेरियल से बना है. मैंने आपको कहा था कि कोई उसकी फिजिकल स्टेट होते हैं, तो कंडक्टर जो है उस कंडक्टर का जो लेंथ है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिससे वो मटेरियल बना है, तो उसके ऊपर भी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है. मतलब जैसे लेंथ वैरी करेगा, जैसे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वैरी करेगा, उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो डिपेंड करेगा कि उसका लेंथ क्या है. तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली डिपेंड करेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. ओके, ये डायरेक्टली रिलेटेड है लेंथ के साथ. और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जो भी कंडक्टर है उसका जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अभी ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको रिमूव हम करते हैं विद सिंबल दैट इज रो, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. तो हमारा ये नया जो है वो फॉर्मूला क्या बनता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन एरिया. ये आर इज रेजिस्टेंस, रो इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और लेंथ और एरिया इज नथिंग बट ये जो भी हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसका फिजिकल स्टेट्स है. ओके, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था. नाउ रो इज, व्हाट इज रो, रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. और हर एक कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर. तो ऑब्वियसली हर एक जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी. ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. राइट, यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, ओहम मीटर. इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं. आप कहोगे कि ओहम मीटर कैसे आया, तो देखो यहीं से देखते हैं. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. इसका मतलब जो रो है यानी रेजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रो विल बी इक्वल टू आर दैट इज रेजिस्टेंस, ए दैट इज एरिया, एंड अपॉन में आएगा एल. अगर हम इसकी यूनिट देखें तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वेयर, राइट, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर. तो अगर हम मीटर मीटर और मीटर के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिला, ओहम मीटर. तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बन गया, ओहम मीटर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट. सो रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी. हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी है जो है वो डिफरेंट रहेगी. या थैंक यू. लेकिन इसके पहले चलो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, जो हर एक रिविजन कर लेते हैं. तो हमने क्या देखा कि
ओहम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और इसमें वी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू करंट दैट इज आई इंटू आर, जहाँ पे जो आर है ये क्या है आपका रेजिस्टेंस, राइट। और जो कंडक्टर है ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन होती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ओके। ये जो रेजिस्टिविटी है वो हर कंडक्टर की डिफरेंट रहेगी, राइट। सो इन दिस वे हमने आज क्या क्या कवर किया है, वी हैव कवर व्हाट इज ओहम्स लॉ, वी हैव कवर व्हाट इज रेजिस्टेंस, एंड ऑल्सो वी हैव कवर व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड आपको